मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये जो चीज़ है, ये जो जानकारी है, मिल का मालिक लोग को बहुत फ़ायदा देता है, और ख़ास करके उनको ये चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उनको कंपनी में फ़ायदा मिले। और सब्जेक्ट है कॉटन बेल रैपिंग क्लथ। जो कॉटन का जो बेल आता है, गठार आता है, उसका ऊपर जो अपन कपड़ा लपेटते हैं, सूती का कपड़ा लपेटते हैं, वो सूती का कपड़ा लपेटने के लिए जो धागा बनता है उसका जानकारी दे रहा हूँ मैं। उसके जानकारी में क्या होता है, देखो जैसे अपना नॉर्मल कपड़ा होता है ऐसे रहता है, पूरा कम डेंसिटी ज़्यादा रहता है, और जो कॉटन बेल में जो कपड़ा लपेटते हैं ऐसे जालीदार जालीदार रहता है। तो जैसे मछली पकड़ते जैसे जाली वाला रहता है ना नेट, ऐसे ही नेट जैसा रहता है वो। और इसका GSM जैसे समझ लो ये 350 GSM रहता है, और इसका रहेगा 30 से 50 मैक्सिमम 60 GSM। GSM मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ग्राम पर स्क्वायर मीटर कपड़ा जब काट के लेंगे हम, ये 30 से 60 तक GSM रहेगा। और जनरली अपना जो कॉटन का क्लॉथ बनाते हैं वो GSM 350 तक भी रहता है, मतलब 250, 300, 350, मतलब काउंट का ऊपर लेके और वीविंग का डिजाइन लेके। तो अपना इसमें क्या क्या फ़ायदा होता है, देखो सबसे बड़ी सी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ड्रॉपिंग कॉटन मटेरियल फ्रॉम बेल अवॉइडेड। वो जब अपन बेल की जीनिंग में बेल बन जाता है उसका अपन पूरा लपट देते हैं, ऊपर से बांध भी देते हैं, तो उसमें कॉटन का जो अच्छा कॉटन जो होता है नीचे गिरता नहीं, और बेल का वजन जितना आप लिख के देते हो उतने का रहता है, बेल का वजन लॉस नहीं होता। दूसरा चीज़ देखो, प्रिवेंट कंटामिनेशन लाइक जूट या एशियन क्लथ। पहले ज़माने में क्या होता है, कॉटन का जो गठार आता था वो एशियन क्लथ या जूट वाला जो बैग है उसी में लपेट देते थे हम, और वो लपेटने से क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउस का लोग वो खरीदते नहीं, क्योंकि जूट का अगर मतलब कपड़ा में आप लपटे हुए इसको बेल को, तो उसमें कंटामिनेशन जाने का चांस रहता है, तो मटेरियल कंटामिनेटेड हो जाता है कॉटन, फिर उसको अपन को प्रोसेसिंग में दिक्कत जाता है। इसीलिए आज के ट्रेंड में जो है ये अपना कॉटन क्लथ जो होता है वो इफेक्टिव होता है, और एक्सपोर्टर का चॉइस भी होता है कि इस कपड़ा में लपेट के दीजिए। कंजप्शन ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कॉटन्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कॉटन जो होता है, जो अपना इन हाउस स्पिनिंग में अपन जो कॉटन रिजेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो जैसे अपन कॉटन पिकिंग के टाइम में बी प्लस वैल्यू जो होता है ये 7-8 तक रहता है, और जब एंड ऑफ पिकिंग होता है जैसे थर्ड पिकिंग होगा लास्ट में, ये 11-11.5 तक चला जाता है बी प्लस वैल्यू। जब इतना रेंज का रहता है, समझ लो आपके पास 11-11.5 का रेंज का है या 7-8 है, आप दोनों मिक्स करके आप स्पिनिंग में दे नहीं सकते हो, तो अब क्या करना है, एक कॉटन जो रिजेक्ट कर करके रखे होंगे इसको इस सब काम में लाना है, मतलब जब इसका धागा बनाएंगे तब ये सब कॉटन अपने यूज करेंगे। समझ लो बिल्कुल फाइन माइक है, 2.8, 2.7 है, वो सब नेप्स बनने का चांस रहता है, ऐसे वाला कॉटन यूज कर सकते हो। शॉर्ट फाइबर वाला ज़्यादा है तो वो भी यूज कर सकते हो, कंटामिनेटेड कॉटन जो वो भी यूज कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के जो बिल्कुल ख़राब कॉटन है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो हाई प्रोडक्टिविटी आज TM गिवन ऑन लोअर साइड, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब अपना इसमें जब स्ट्रेंथ अपन को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी का कोई मारामारी नहीं है, और उसका तो अपन क्या करेंगे, जैसे कॉटन में अपन ये समझ लो, एग्जाम्पल मैं आपको ये अपन 47 KW बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ,
47 kW के लिए बन रहा हो, तो 47 kW में अपना अगर कार्डेड वाल्व बनाते तो 4.4 तक TM जाता था, तो इसमें क्या 4.4 TM नहीं जाके 4.4 की जगह आप 4 तक जा सकते हो, 3.9 तक भी जा सकते हो, तो TM इसमें कम हो जाता है, और TM कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। हाई रिकवरी परसेंटेज आज वेस्ट एक्सट्रैक्शन वेरी लो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब अपना मतलब वेस्ट अपन एक्सट्रैक्शन कम कर देंगे, इसमें कोई क्वालिटी का मारामारी नहीं, अपन वेस्ट कम कर देंगे तो नेचुरली क्या होगा, हाई रिकवरी परसेंटेज हो जाएगा। समझ लो अपन कार्डेड का धागा बढ़ा रहे हैं, अपन 87 तक अपन रिकवरी मानते हैं, मतलब 13% अपना वेस्ट निकल जाता है। इस केस में आप कुल मिला के 5-6% वेस्ट निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, वो 5-6% का आपको गेन हो जाएगा रिकवरी में, आपकी फायदा हो जाएगा इसमें। वेरी मच प्रॉफिटेबल काउंट विथ लीस्ट टेंशन, ये सबसे बढ़िया है, इसमें कोई क्वालिटी का मारामारी नहीं है, टेंशन कम है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। ये मटेरियल चलाने से यही एक फायदा है, टेंशन कम रहेगा और प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। हाई रेंज ऑफ B+B वैल्यू RD वैल्यू कंटामिनेटेड कटन में यूज, वही चीज़ बता था आपको, जो कटन सबसे ख़राब है इसको छट छट के रखिए, जब आप ये वाला प्रोसेस चालू करोगे उसमें आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया फायदा रहेगा। और रन ऑन वाइड गेज हार्डवेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑल्सो लो, वाइड गेज मतलब कटन में आपकी जैसे नेप सेटिंग एग्जांपल आप 4.5-5 तक रखते हो कार्डेड काउंट में, इसमें आप 6.5 तक रख सकते हो, सब सेटिंग वाइड कर सकते हो, कोई ज़्यादा काटरा कट्स वगैरह ज़्यादा लेना नहीं है। कट्स का जो लेबल है, कट्स लेबल में तो बोल रहा हूँ जैसे आपकी 60-70 अपन स्टैंडर्ड रखे ना, इसमें कट्स तो 30-35 तक रखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फॉल्ट काटना नहीं है आपको, ज़्यादा फॉल्ट काटोगे क्यों, हार्डवेस्ट बनाओगे क्यों, तो ये सब चीज़ में आप हार्डवेस्ट का ही बचत कर सकते हो। पावर कॉस्ट ऑल्सो लो, आज वी कैन रन ऑन ऑप्टिमम स्पीड, पावर कॉस्ट कैसे लो होगा, समझ लो अपन कार्डिंग में अपन अच्छा क्वालिटी धागा बनानी है, 47 काउंट में अपन कार्डिंग में अपन समझ लो 120 MPM चलानी है, लेकिन इस केस में आप 170-180 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हर जगह ड्राइव ड्रॉप फ्रेम सिंपलेस रिम फ्रेम हर जगह 15-20% स्पीड आप बढ़ा के चलाने का, इसमें कोई क्वालिटी का इशू नहीं रहेगा, उल्टा आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो पावर कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं बताया, ये अपना जैसे कटन रैपिंग के लिए जो बेल का रैपिंग के लिए ऐसे क्लॉथ है, इसमें 30-60 ग्राम मतलब GSM ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में इतना आता है, और नॉर्मल कपड़ा अपना 300-350 तक आता है, 250 तक भी आ जाता है, ये कपड़ा से देखो कम से कम 8 गुना हल्का रहता है, तो इसका 8 गुना हल्का रहता है, लेकिन रेट वाइज इतना कम नहीं रहता है। ये कपड़ा जब अपन मार्केट खरीदने जाएंगे अपन कम से कम 20 रुपया से लेकर 30-40 रुपया पर मीटर में मिलता है, मीटर के हिसाब से रेट होता है, और ये 54 इंच का कपड़ा रहता है जैसे बेल साइज का बराबर बैठता है। और मैं आपको एग्जांपल 47 kW का एक बताता हूँ, उसमें आप क्या क्या स्टेप लोगे, कॉटन शंकर 6 का लेना है या H4 का लेना, क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहे, 47 काउंट बना रहे हम, और इस पर देखिए स्टेप्स टू टेक इन प्रोसेस, जो प्रोसेस जब चालू करेंगे उसमें क्या क्या स्टेप अपन लेंगे ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। सबसे पहला देखो, बाईपास 1 or 2 meters ऑन ब्लोरूम लाइन, ब्लोरूम लाइन में समझ लो आपकी कार्डेड काउंट चला रहे हो, आपकी 4-5 meter है, आप 1-2 meter तो बाईपास कर देना, अपन को वेस्ट परसेंटेज कम निकालना है, ज़्यादा निकालना तो है नहीं, तो 1-2 meter बाईपास कर देना, उसमें अपनी बिजली खपत कम हो जाएगा। सेट वेस्ट परसेंटेज फ्रॉम 5-6% फॉर ब्लोरूम कार्डिंग, ब्लोरूम कार्डिंग में जब अपन का 10-11% तक निकालते हैं, इस केस में उसका आधा निकालना, 5-6% तक वेस्ट निकालना, उसे ज़्यादा निकालने नहीं देना इसमें,
उसके बाद देखो कीप मिनिमम फ्लाइट स्पीड 180 से 220 mm पर सेकेंड। मिनिमम फ्लाइट स्पीड रखने से क्या होगा, फ्लाइट वेस्ट आपकी कम निकलेगा, फ्लाइट वेस्ट आपको ज़्यादा निकालना नहीं। उसके बाद कीप 2 mm एक्स्ट्रा गेज इन ड्रॉप एम सिंप्लेक्स एरिया। ड्रॉप एम सिंप्लेक्स में कोशिश करो जो नॉर्मल काउंट में आप शंकर सिक्स पर रखते हो उससे 2 mm ज़्यादा रखो। 2 mm ज़्यादा रखेगा तो आपकी ब्रेकेट ड्रिंग में कम नहीं होगा, मतलब मटेरियल बहुत फास्ट आप स्पीड में चला सकते हो, ज़्यादा स्पीड में चला सकते हो, ब्रेकेज भी नहीं होगा। और देखो बाईपास द कंटामिनेशन क्लियर ऑल्सो। ये मटेरियल जब चलाओगी आप ब्लोरूम का जो कंटामिनेशन क्लियरर है वो आप इसको बाईपास कर सकते हो, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें भी पावर बचत होगा। इंक्रीज 15-20% स्पीड देन द नॉर्मल प्रोसेस। आप 47 kW का प्रोसेस जब चालू करते हो, जब ए वाला चालू करोगे आप हर स्टेज में 15-20% स्पीड ज़्यादा चला सकते हो, हर स्टेज में, चाहे आप कार्डिंग में हो, ड्राइंग में हो, सिंपलेस में, रिम फ्रेम में, ऑटोकॉन में, हर जगह 15-20% स्पीड ज़्यादा लेके चलना। उसके बाद देखो रन मैक्सिमम कोन वेट अप टू 3 kg पर कास्टिंग पर्पज। जो कोन का पैकेज जैसे अपना बोलते हैं ना 1.89 kg या 2 kg 2.5 kg ऐसे बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 kg का आप पैकेज साइज कर देना ताकि कम से कम अपना पैकिंग कॉस्ट लगे इसमें। कीप ऑल गेजेस इन ऑटो कॉर्नर ऑन वाइडर साइड यू में स्टॉप FD CP CF CCP CCF। ये अपना ऑटो कॉर्नर में जब चलाओगी बिल्कुल जो गेज है जैसे अपना स्लॉप का सेटिंग करते हैं ना, या नेप का सेटिंग करते हैं नेपियन का, या सिट्रा का सेटिंग करते हैं, बिल्कुल वाइड सेटिंग करने का, वाइड सेटिंग करने का इसका कार्ड्स बिल्कुल जैसे अपन 60-70 पर किलोमीटर बोलते हैं ना, मतलब कार्ड्स 100 किलोमीटर में 60-70 रहता है, ऐसे ही ये 100 किलोमीटर में अपना 30-35 तक रखने का, कार्ड्स लेवल ज़्यादा नहीं रखने का। ये वाला चैनल सब बंद कर देना, FD CP CM CCP CCM ये सब चैनल बंद कर देना, कोई ज़रूरत नहीं इसको चलाने का। 30-35 कार्ड्स रखिए तो आप तब आपके हार्डवेस्ट कम आएगा। कीप हार्डवेस्ट परसेंटेज मैक्सिमम 0.4%। हार्डवेस्ट का जब परसेंटेज अपन देखा जाए तो 0.6 से 0.7 तक जनरली चलता है, लेकिन आप इस केस में 0.4 तक रखिएगा, आपकी ये बहुत प्रॉफिटेबल काउंट है। आप अगर ध्यान से चलाओगे आपको ये बहुत फायदा देगा। और मिल का जो मालिक लोग हैं इसको खास करके देखिए, जो आप अपना सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कटर कैसे खपत किया जाए, कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।